नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए ले चलते हैं आपको आज के खबरों की ओर। पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ फूटा अधिवक्ता संघ समेत कई राजनीतिक दलों का गुस्सा, मानव श्रृंखला बनाकर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। यूपी के कौशाम्बी में बदले की भावना से मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया, जिसके विरोध में आज अधिवक्ता संघ, जनसत्ता दल, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंझनपुर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर मंझनपुर पुलिस की शर्मनाक कार्यवाही की निंदा की। अधिवक्ता संघ के महामंत्री राजेंद्र पांडे ने कहा कि मंझनपुर इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह ने बदले की भावना से पत्रकार अजय कुमार को जेल भेजा है, जबकि इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच अभी भी चल रही है और वादी मुकदमा ने एसपी और अपर मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र देते हुए पत्रकार के ऊपर लगे सभी आरोपों को एकदम असत्य और निराधार बताया है। उसके बावजूद भी मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने पत्रकार अजय कुमार को आनन फानन में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिवक्ता संघ महामंत्री ने मुख्यमंत्री के नाम जिला जज को ज्ञापन सौंपते हुए इंस्पेक्टर मंझनपुर के विरुद्ध निलंबन और गैर जनपद स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। विभिन्न संगठनों ने शासन प्रशासन को चेताया है कि यदि इंस्पेक्टर मंझनपुर के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही न हुई तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान अधिवक्ता संघ भी न्यायिक कार्य से विरत रहने की भी बात कही है। इस विरोध प्रदर्शन में पत्रकारों के अलावा अधिवक्ता संघ, कांग्रेस, जनसत्ता दल, लोक जनशक्ति पार्टी समेत कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। अनित कुमार दुबे, समाचार इंडिया न्यूज, कौशाम्बी, प्रयागराज से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।